हेलो हाय हाय, आज मैडम का वैक्सीनेशन का दिन है एंड इसको वैक्सीन लगवाने का है। अरे तो आप हमारी कोको बैठी हुई है आज आगे स्कूटी पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब गाइस, होप करते हैं एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज गाइस फिर न्यू वीडियो लेके, तो आज के दिन स्कूटी एंड ये पट्टा आपको दिख ही रहा होगा, तो क्यूट सा व्यू दिखाओ। तो ये देख लो आप, हमारी कोको बैठी हुई है आज आगे स्कूटी पे एंड इसको वैसे ट्रेनिंग नहीं है आगे बैठने की, मैंने अभी अभी सिखा रहा हूँ इसको, तो इसलिए बांध के रखना पड़ता है। कभी कभी कूद जाती है ना, तो इसलिए डर लगता है कि हाथ पैर में लग ना जाए, तो रिस्क लेने से अच्छा है तो अपना बांध के चलो, इसको कोई वो ना हो, रिस्की ना हो, तो इसीलिए मैंने कोको को ले लिया है आज। एंड मैं बता दूँ आज मैं जा कर रहा हूँ, वैसे तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैडम का वैक्सीनेशन का दिन है एंड इसको वैक्सीन लगवाने का है। पिछले साल लगा था, मतलब एक साल ऑलमोस्ट हो गया है कोको को, एंड कोको का अभी एक हफ्ते पहले ही बर्थडे था। बर्थडे मनाया नहीं मैंने, बट हाँ बर्थडे था, हम एक हफ्ते पहले के दिन ही लाए थे इसको। एक हफ्ता ये और ज़्यादा ऊपर हो गई है एक साल से हमारे घर में, तो बैठी है एंड पूरा व्यू देख रही है साइड में से मुँह निकाल के। तो इसका इसकी आदत ही यही, अगर इसको गोद में भी रखें तो ये मुँह निकाल के इसको देखना है, साइड में निकल के पूरा देख देख के चलती है ये। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ इसको वैक्सीन लगवाने, तो अभी पेट शॉप तक जाएंगे जहाँ से इसका पूरा वैक्सीनेशन होता है, तो वहीं पे अपन लोग जा रहे हैं। एंड नानी है मेरे साथ, स्कूटी में मैं जा रहा हूँ, मैं बाइक पे लेके नहीं जा रहा क्योंकि स्कूटी में इजी रहता है, ये आगे बैठ जाती है ना, एंड इसके लिए कम्फर्टेबल रहता है आगे। अब बाइक में जाओ तो गोद में लेके जाना पड़ता है इसको उठा के, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं यार स्कूटी पर ले जाते हैं। एंड अभी फ्यूल का भी थोड़ा मगजमारी हो रहा है यहाँ पर पोखरा में, 150 पर लीटर हो रहा है। भाई तू कहाँ जा रही है, ये बार बार आगे आगे हो रही है, तो इसीलिए डर भी लगता है यार कभी कभी ना, ये मतलब कूद ना जाए, तो इसीलिए ध्यान से चलाना पड़ता है। वैसे तो मैं पैर से इसको रोक के रखता हूँ इसको साइड में, एंड वैसे कहीं कूदने वूदने का इसका है नहीं। पहले जब छोटी सी थी जब डरती थी ये स्कूटी में आगे बैठते हुए एंड कूद जाती थी, बट अब तो वैसे कूदती नहीं है, समझदार हो गई है। जैसे मैं बता रहा था कहीं जब भी फ्यूल का थोड़ा मसला चल रहा है, तो इसीलिए यार बाइक ना ही निकालो तो बेटर है। एंड अभी तो मैं सिर्फ स्कूटी ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ, बाइक में इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसका पट्टा मैं हाथ में ही दबा लेता हूँ क्योंकि पता नहीं है इसका कुछ भी है कब क्या कर ले, और डर भी लगता है यार अपनी बच्चे जैसी है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है ना इनको भी। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको सीधा वैक्सीनेशन जहाँ पे इसका होने वाला है वहाँ पे, इसको वैक्सीन लगवाते हैं एंड फिर वहाँ से आते हैं अपने शोरूम पे एंड देखते हैं क्या सीन होता है। तो फिलहाल इसको वैक्सीन लगवाने का है। अभी इसका जो हुआ टाइम हो गया है, शायद रेबीज का इसको वैक्सीन लगेगा एंड कोरोना का भी इसको लगा दिया था, पिछले साल कोविड वैक्सीन लगा था इसका, रेबीज का भी लग गया था। तो अब देखने का है कि अब कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो मैं कार्ड लेके आ गया हूँ इसका एंड आपको वहीं पे चेकआउट कराता हूँ क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स गो। सो गाइस अपन ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एंड यहीं पर यह आगे इन माई राइट साइड, तो यहीं पर यह वो पेट शॉप, तो दिखाता हूँ आपको पेट शॉप भी, पोखरा पेट शॉप करके ये नाम है एंड ये नया बाज़ार है, तो ये वाला पेट शॉप है, तो अपने को यहाँ जाने का है, तो पार्किंग लगाते हैं एंड इसको लेके जाते हैं अंदर। चेस्ट वाला होने तो बैंक था, चेस्ट वाला होने वाला ही। ये ठुलो होला की थी साइज के, देख लो यहाँ पे कितने क्यूट क्यूट से पपी हैं, यहाँ पे दो तो ये छोटे छोटे हैं एंड एक वो बड़ा है, एंड ये चिवावा देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये हमारी कोको को देख रहा है बेचारा, एंड बुलडॉग, ओह माय गॉड माय फेवरेट डॉग, हाय हाय कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये चिवावा को, ये चिवावा है देखो कितना क्यूट है यार ये। हेलो हाय हाय, मेल है यार कितना क्यूट है, क्यों रो रहे हैं यार बेचारे, ये कह रहे हैं हमको ले जाओ यहाँ से मेरे को तो बहुत क्यूट लग रहा है।
सो गाइस फाइनली इसका भी वैक्सीनेशन का हो गया है। मतलब मुझे पता नहीं था कि इसका इतना टाइम बाकी है, अभी 4 महीना इसको बाकी है, 4 महीना और इसका है कैपेसिटी, मतलब जो पिछला इसका वैक्सीन लगा हुआ था। तो मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में कि इतना टाइम बाकी है, तो उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ इतना टाइम अभी है, तो अभी ना ही करवाओ तो बेहतर है। तो अभी मैंने इसका एक गले का पट्टा ले लिया है एंड वो उसमें घंटी लगा रखी है। तो वैसे मैं इसको ना कभी भी गले में वो नहीं लगाता, रस्सी नहीं लगाता, क्योंकि गले में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता एंड चेस्ट वाला बैंड मेरे को बहुत सही लगता है। तो चेस्ट वाला इसका है इसके पास, कोको के पास। तो कोको को सिर्फ गले में ना घंटी लगाते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं। गले वाला रस्सी तो बिल्कुल, मैं तो आपको बोलूँगा कि यार आप भी अगर पेट रखते हो तो यार ये वाला मत करो, मतलब एक टाइप से जुलूम जैसा लगता है मेरे को। तो गले में जो पट्टा डाल के खींचता है या फिर इनको थोड़ा सा यार गले में होता होगा ना प्रॉब्लम, तो इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। चेस्ट वाला बैंड बिल्कुल बेटर है एंड चेस्ट वाला बैंड ही आप भी यूज़ करना, तो मैं भी रेकमेंड वही करूँगा कि आप चेस्ट वाला बैंड ही यूज़ करना। तो आपने देखा, मतलब मैंने दिखाया ना वहाँ पे कितने क्यूट क्यूट पपी थे, तो वो जो चिवावा था, मैं वो ब्रदर से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि वो जो चिवावा है वो 12 साल बड़ा चिवावा है, मतलब वो बिल्कुल एडल्ट चिवावा है, मतलब वो बच्चा नहीं है। मेरे को लग रहा था कि वो छोटा सा ही है एंड होगा 2 या 3 साल या फिर इतने का ही होगा। तो बोल रहे थे कि 11-12 साल पुराना है वो, तो इतना बूढ़ा चिवावा है वो। तो बोल रहे थे कि ये तो ब्रीडर चिवावा है इसीलिए मैंने रखा हुआ है एंड वो भी सेल में एक्चुअल में। तो इनके पास पूरे ब्रीड मिल जाते हैं इन पोखरा, अगर आपको कोई भी मतलब पेट चाहिए तो सब ये प्रोवाइड करके देते हैं आपको। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई पेट चाहिए या फिर कोई रिकमेंडेशन चाहिए या मतलब किसी भी वेट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको। एंड अगर कोई पेट भी आपको चाहिए, डॉग कैट पैरट एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड इंपोर्टेड से इंपोर्टेड वाला भी मिल जाएगा, मतलब जो इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से महंगे महंगे वाले वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो इनको पेट शॉप पे। तो बहुत अच्छी मतलब ये फैसिलिटी देते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है इनके पास, बहुत अच्छी तरह से ये सबको वो ट्रीट भी करते हैं, तो अच्छा है। ब्रदर का नेचर भी बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने इसका सिर्फ 2 चीज़ लिया, एक तो वो कंघाई ले लिया मैंने, मतलब कंघाई कहेंगे कॉम क्या कहेंगे उसको, तो वो ले लिया मैंने। तो इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो उससे ईजी रहेगा इसके लिए, तो वो मैंने ले लिया है कंघा। एंड अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने शॉप की तरफ। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लग गया यार आजकल, एंड अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा होने लग गई ना, तो सिर में दर्द होने लग जाता है थोड़ी देर में। A few moments later. So, अब जाके थोड़ा सांस आया है, मतलब यार खुला रास्ता मिल गया। वहाँ पे इतना ट्रैफिक होने लग गया है ना, मतलब चौक चौक में इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, पता ही नहीं लगता यार कितनी कितनी देर तक ये रोके रखते हैं यार, 4-4, 5-5 मिनट तक रोक देते हैं, और इतनी देर में बंदे की हालत टाइट हो जाती है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है अब यहाँ पे एंड लाइक मौसम चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया है मौसम। पहले ठंडा ठंडा होता था, तो अब वैसे भी मैं अब जैकेट वैकेट कुछ नहीं, मैंने खाली एक हुड लगा रखा है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड एक जगह पर आप खड़े हो जाओ ना, एक तो पूरी गाड़ियों के बीच में, एक तो मतलब जो गाड़ी जो धुआं छोड़ती है एंड जो मतलब गर्माहट छोड़ती है ना, तो उसके बीच में आप पक रहे हो, ऊपर से सिर में एकदम धूप लगता है आके। एंड ये एक तो मैं फुल फेस हेलमेट पहनता हूँ तो इसमें गैस बनती रहती है ना फुल फेस हेलमेट में, तो मैं कभी भी ये ऊपर का ये विंड पासर होता है ना, तो मैं कभी भी विंड पासर को ऑन नहीं रखता, मैं ऑफ ही रखता हूँ इसको, तो इसलिए गैस बन जाता है यार और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है अंदर अंदर फेस पे। तो फिलहाल तो अब मैं चल दिया हूँ वहाँ से एंड कोको के 2 सामान मैंने ले लिए और बस अब तो मेरा काम हो गया ख़त्म। एंड मैं सोच रहा था कि इसका अभी लग जाएगा वैक्सीन तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा 1 साल के लिए, बट अभी तो 4 महीने बाकी है, 4 महीने कम नहीं होती, 1-2 महीना होता तो यार मैनेज कर लेते ऊपर नीचे, बट 4 महीने बाद अब इसको वैक्सीन लगने वाली है, तो 4 महीने बाद ही लगवा लेंगे। 4 महीने बाद तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ रहूँगा, मेरे तो बहुत सारे राइड प्लान करे हुए हैं, तो वो चेकआउट करने के लिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही रहेगी एंड सबसे बड़ा टेंशन तो मेरा ख़त्म हो ही गया है पेट्रोल का, तो अब देखो आप पेट्रोल पंप भी मैं आपको दिखाई दूँ, अब तो पेट्रोल मिलने लग गया है एंड यहाँ पे ये पेट्रोल पंप आप देख लो, तो पेट्रोल मिल ही रहा है अब यहाँ पे, इतनी बड़ी लाइन नहीं है, 2-2, 3-3 बाइक से सिर्फ, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।